टॉनिक पाठशाला डीसी रामगढ़। मैं हूँ निर्मला कुमारी, पीजीटी बायोलॉजी एसएस प्लस टू हाई स्कूल पतरातू से। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पैकेजिंग ऑफ डीएनए पढ़ा था, आज हम लोग डीएनए वर्सेस आरएनए को पढ़ेंगे। इसमें हम लोग जानेंगे डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है, और साथ ही साथ जानेंगे कि कौन बेहतर जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए या आरएनए। तो पहला करैक्टर जो है जेनेटिक मटेरियल, डीएनए मोस्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल है, जबकि आरएनए कुछ वायरसेस का जेनेटिक मटेरियल है। मोस्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल है ये, जबकि ये वायरसेस का, वायरस का किसका, टीएमवी और बैक्टीरियोफेज। जेनेटिक मटेरियल वो होते हैं जो कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जाते हैं। तो जेनेटिक मटेरियल में रिप्लिकेशन की क्षमता होनी चाहिए, यानी डबल होने की क्षमता होनी चाहिए। तो डीएनए रिप्लिकेशन शो करता है, साथ ही साथ आरएनए में भी अपनी कॉपी बनाने की क्षमता होती है, यानी यहाँ पे भी रिप्लिकेशन होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है स्ट्रैंड, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, दो स्ट्रैंड होते हैं जो एंटी पैरेलल डायरेक्शन में रन करते हैं, जबकि आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, एक ही स्ट्रैंड होता है। शुगर, यहाँ पे डीएनए में डीऑक्सीराइबो शुगर प्रेजेंट होता है। जबकि आरएनए में राइबोज शुगर प्रेजेंट होता है। नाइट्रोजनस बेस डीएनए में क्या है, एडिनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन। जबकि यहाँ आरएनए में एडिनिन है, थाइमिन के प्लेस पर यूरासिल होता है, साइटोसिन और गुआनिन प्रेजेंट होते हैं। तो डीएनए इज मोर स्टेबल देन आरएनए, डीएनए ज्यादा स्टेबल है आरएनए से। तो स्टेबिलिटी दो वजह से होता है डीएनए में, प्रेजेंस ऑफ वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप और प्रेजेंस ऑफ थायमिन। यहाँ पे क्या होता है, आरएनए में दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है और थायमिन की जगह पे यूरासिल प्रेजेंट होता है। डीएनए में डीऑक्सीराइबो शुगर होता है, डीऑक्सीराइबोस शुगर का स्ट्रक्चर आप लोगों को याद होगा कुछ इस तरह से होता है। यहाँ थ्री पोजीशन पे कार्बन थ्री पर एक ओएच होता है, और यहाँ आरएनए में टू और थ्री दोनों पोजीशन पे ओएच होता है। तो ओएच होने से, यहाँ दो ओएच होने से आरएनए हाईली रिएक्टिव हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है, कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करता है। साथ ही साथ यहाँ यूरासिल प्रेजेंट है, यूरासिल भी काफी रिएक्टिव मॉलिक्यूल है, और जबकि यहाँ थायमिन ये आपका स्टेबल मॉलिक्यूल है। तो इन रीजन की वजह से डीएनए मोर स्टेबल है देन आरएनए से, और आरएनए जो है पहला जेनेटिक मटेरियल माना जाता है, क्योंकि ये काफी रिएक्टिव है, अनस्टेबल है। तो हम लोगों को स्टेबल जेनेटिक मटेरियल की आवश्यकता हुई, तो उस आरएनए से ही डीएनए का इवॉल्व हुआ है। डीएनए में म्यूटेशन स्लो होता है और यहाँ पे आरएनए में फास्ट होता है। तो अच्छा जेनेटिक मटेरियल उसे कहते हैं जिसमें म्यूटेशन स्लो होता है, धीरे धीरे होता है। एक्सप्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, जो भी जेनेटिक मटेरियल में इंफॉर्मेशन है उसका फ्लो किस तरह से हो रहा है उसको हम लोग देखते हैं। तो जहां पर डीएनए जेनेटिक मटेरियल है तो वहां जो इंफॉर्मेशन है फ्लो करेगा मैसेंजर आरएनए में पहले, देन मैसेंजर आरएनए के अकॉर्डिंगली प्रोटीन बनेगा। डीएनए से पहले मैसेंजर आरएनए बनेगा, देन प्रोटीन बनेगा। तो इस प्रोसेस को, डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनने की प्रोसेस को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं।
और आरएनए से प्रोटीन बनने की क्रिया ट्रांसलेशन कहलाती है, ट्रांसलेशन कहलाती है। और ये होल प्रोसेस सेंट्रल डोग्मा कहलाता है, जो दिया गया था साइंटिस्ट क्रिक के द्वारा, जिन्होंने वाटसन एंड क्रिक का जो डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर था वाटसन एंड क्रिक के द्वारा दिया गया था, तो वही ये क्रिक। तो क्रिक ने यहाँ सेंट्रल डोग्मा बताया किस तरह से इंफॉर्मेशन का फ्लो होता है। तो जहाँ जेनेटिक मटेरियल डीएनए है तो इस तरह से आपका फ्लो होगा इंफॉर्मेशन का, लेकिन जहाँ पे आरएनए जेनेटिक मटेरियल है वहां पहले डीएनए बनेगा, आरएनए से आपका डीएनए बनेगा, देन डीएनए से आरएनए बनेगा, देन प्रोटीन बनेंगे। तो आरएनए से डीएनए बनने की क्रिया को हम लोग रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तरह से हम लोगों ने देखा डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है, और जाना डीएनए बेहतर जेनेटिक मटेरियल है क्योंकि वो स्टेबल है, जबकि आरएनए अनस्टेबल है, रिएक्टिव है, कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करता है।